हे गाइस, वेलकम ऑल टू सुनील आरबी ब्लॉग्स। होप ऑल यू आर डूइंग गुड। सो अभी फ्रेश अप होके बाहर चल रहा हूँ कुछ दूसरे काम से, जो गवर्नमेंट का काम बोला था वो काम नहीं है, बस दूसरे काम से फ्रेंड्स लोग मिलने आ रहे हैं तो चल रहे हैं। तो चलिए आप लोग को भी ले चलते हैं जहाँ जा रहा हूँ। अभी देखिए चैतन्य स्कूल आया हूँ और यहाँ पर डिस्कस करने के लिए बुलाए हैं कि मैथ्स और साइंस टीचिंग करने के लिए, तो पार्ट टाइम काम करने के लिए बुलाए हैं। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कितना पगार मिलेगा या कब कब आना है, क्या होता है आपको बताता हूँ। सैटरडे संडे बोला हूँ मैं फ्री रहता हूँ, या नॉर्मली वीक डेज में आफ्टरनून के बाद फ्री रहता हूँ। तो देखते हैं क्या रहता है यहाँ का बात, तो बाद में मैं आप लोग को बताता हूँ। ये देखिए गाइस, दाढ़ी वाला बकरा कितना अच्छा है, इसको देखिए कितने अच्छे से दाढ़ी है और ऊपर इसका बार देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। पता नहीं, इधर देखा हूँ तो मन किया चलो वीडियो बना देता हूँ और सभी लोग को दिखा देता हूँ कैसा है दाढ़ी वाला बकरा। देखिए यहाँ पर अभी, यहाँ देखिए चकड़ी भी जियाया गया है और यहाँ पर देखिए कबूतर भी जियाया गया है। सुबह को कबूतर छोड़ देते हैं और ये अपने आप उड़ के आ जाता है ना। ये देखिए दो चकड़ी है, तो एक मेल है, ये मेल है, एक फीमेल है। तो इसको सिर्फ पालने के लिए लाए हैं या फ्यूचर में काटने के लिए नहीं। तो देखिए जो मेल है ना उसको देखिए दाढ़ी देखिए, इधर देखिए दाढ़ी और ऊपर का बार देखिए बहुत अच्छा सुंदर दिख रहा है। और अगर ऐसे हाथ दिखाओगे जंप करता है। तो चलिए आप लोग को उसको जंप करा के दिखाता हूँ। ये देखिए दोनों बकरी अभी बिस्कुट खा रहे हैं, अभी देखें कोई बकरी बिस्कुट खाने वाले बकरी, ये देखिए कितना कूद कूद के खा रहे हैं दोनों बकरियाँ। ख़त्म हो गए दोनों बकरियाँ, अच्छे से बिस्कुट एक पैकेट खाई हैं। अभी देखिए मैं घर आ चुका हूँ और अनवी अभी तक सो रही थी, जैसे मुझे देखिए उठ गई है। ठीक है, अनवी की चाची भी आ गई है। तो अभी हम जा रहे हैं चाय पीने और बच्ची को भूखू लगी है, इतना देर से जागी हुई थी। तो अभी ये दूध पिएगी और हम चाय पीने चलते हैं। जैसे मैंने बोला कि मुझे अभी चाय पीना है और चाय पीने का टाइम हो चुका है, तुरंत गुड़िया फटाफट काला चाय बना के लेके आई है। तो देखिए काला चाय, तो काला चाय दो प्रकार का काम करता है, एक तो चाय का काम करता है और एक काढ़े का काम करता है, जो कि अभी जिस इस कोविड टाइम में बहुत ज़्यादा उपयोग करता है, बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और क्या कहूँ, अभी काम करने का भी टाइम हो चुका है, लॉगिन भी करना है, बहुत टेंशन, पता नहीं चलता है दो दिन कैसे बीत जाता है, सैटरडे संडे। अभी तो काम भी करना रहता है, काम करने का, इस ठंडी रहता है ना तो काम करने का नाइट शिफ्ट मन ही नहीं लगता। तो फिलहाल अभी फटाफट चाय पी लेते हैं फिर काम करते हैं। ये देखिए अनवी अपनी मम्मी से बात कर रही है। अपने मम्मी से बात करने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है हमेशा। अभी देखिए मैं और अनवी आए हैं किचन में, देखते हैं क्या बन रहा है। गुड़िया क्या बन रहा है? दाल चावल रोटी सब्जी। तो बच्ची तुम क्या खाओगी? सिर्फ दूध पिएगी। तो देखिए अभी गुड़िया दाल धो रही है और अभी दाल रखने जा रही है। तो मैं और अनवी भी चलते हैं हाल में टीवी देखने। क्या बच्ची टीवी देखोगी? तो देखिए कितना गौर से मोबाइल देखती है। काम तो शुरू हो गया है, तो मैंने बोला मीनाक्षी को कुछ स्नैक्स वगैरह चाहिए, तो देखिए मीनाक्षी खुद आके बैठ के स्नैक्स लेके आई हैं। देखिए नमकीन, जो घर पे बना हुआ नमकीन है। तो अभी फिलहाल ये भी बोल रही है काम सिखा दो, काम करना है। क्या काम करना है? जॉब करना है, पैसा कमाना है। जॉब करना है, पैसा कमाना है। तो अब इनका ब्लॉग में एडिट करती हूँ लैपटॉप में। अभी कुछ आता नहीं है, एडिटिंग करने की सोच रही है। पर ब्लॉग में एडिट, लैपटॉप में मैं ही ब्लॉग एडिट करती हूँ। अरे भगवान, बहुत झूठ पड़ रही है। नहीं फ्रेंड, मैं खुद एडिट करता हूँ। अभी इनको सिखा के देना है तो आराम से सिखा के दूंगा, क्योंकि अभी अनवी का ब्लॉग बनाएंगे ना। तो पर ये मेरा ही लैपटॉप है, इसमें मैं ही एडिट करती हूँ। मैं अपने मायके से लेके आई थी ये लैपटॉप। अरे
फ्रेंड्स अभी अगर ज्यादा देर ब्लॉग करूंगा इसके साथ ना बहुत ज्यादा फेंकने वाली है, तो चलिए अभी मैं काम पे ध्यान देता हूँ। ये देखिए लकड़ी वगैरह जला के अनवी के लिए मसाज करने के लिए गरम गरम सिकाई करने के लिए सभी बंदोबस्त हो चुका है। अभी देखिए तेल को गरम करा जा रहा है। फिर ये देखिए पापा के साथ कैसे खेल रही है, एग अपने दद्दू के साथ देखिए कैसे खेल रही है, आराम से अपने दद्दू के साथ बात करते हुए खेलती है। पापा जितना बोल करते हैं वो उतना बोलती रहती है। देखिए तो अभी उसका मम्मी जा रहे हैं मसाज करने के लिए। देखिए उनकी दादी बैठने वाली हैं तो अभी उसका मसाज होगा। जैसे मुझे भी अभी बहुत ज़्यादा सर्दी है, जुकाम है, तो मम्मी देखिए मेरे पैर में भी विक्स वगैरह लगा रही हैं और मैं भी सिकाई करने जा रहा हूँ। देखिए मैं भी सिकाई करने जा रहा हूँ और मम्मी मेरे पैर और मैं अच्छे से विक्स डाल रही हैं। सर्दी से बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा दवाई वगैरह खा रहा हूँ फिर भी ठीक नहीं है। जितना दवाई खाता हूँ उतना कफा बैठ जाता है, तो दवाई खाना छोड़ दिया हूँ। तो अभी देखते हैं अच्छे से सिकाई वगैरह कर लेते हैं और अभी काम भी करना है, काम भी कर रहा हूँ, तो फिर थोड़ी देर में के बाद आपसे मिलता हूँ। पता नहीं अचानक से बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है, ऑल कफ का टॉनिक भी पिया हूँ कुछ भी फ़र्क नहीं हो रहा है। देखिए मीनाक्षी भी आई है, अच्छे से विक्स वगैरह डाल के सिकाई कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा लिटरली क्या होता है ना, रात को थोड़ा बहुत ठंडी ज़्यादा होता है, जैसे जैसे ठंडी बढ़ती है वैसे वैसे हमारा हालत ख़राब होना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, इसलिए सीने वाले में विक्स डाल के सिकाई करवा रहा हूँ और काम भी करना है। देखिए काम तो शुरू रहेगा ही, काम तो करना ही करना है, तो ब्लॉग को थोड़ी देर के बाद एंड करते हैं। अभी देखिए मैं काम कर रहा हूँ और अनवी ज़्यादा अभी तक सो रही थी, अभी रो रही है, आवाज़ सुनाई दे रहा है, तो चलिए देखते हैं अनवी क्यों रो रही है, क्या कर रही है। अरे अनवी रो रही है, तो चलो अनवी को उठा लेते हैं, खिलाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आप लोग से मिलता हूँ। अभी देखिए अनवी कितने आराम से टीवी देख रही है, क्या देख रही है आप लोग को दिखाता हूँ। ए बी सी डी अभी से मैं दिखा रहा हूँ अनवी को, आपको भी दिखाता हूँ क्या देख रही है वो। सर्दी से इतना परेशान हो चुका हूँ पूछिए मत फ्रेंड्स, बात भी नहीं कर पा रहा हूँ क्लाइंट से बहुत ज़्यादा, और खांसी भी ज़्यादा आ रही है, तो सोचा चलो कुछ गरम गरम बना लेते हैं। तो सोचा दूध था तो हल्दी काली मिर्च लवंग वगैरह डाल के दूध को खौला रहा हूँ। अभी देखिए दूध खौल चुका है तो अभी इसे गरम गरम पीने जा रहा हूँ। तो फिलहाल अभी हल्दी का दूध गर्म हो चुका है और हल्दी का दूध लेके आ गए हैं, तो दिखा देते हैं आप लोग को। ये देखिए कैसा कप है, देखिए तो इसी में मैं दूध पीता हूँ। देखिए तो अभी फ़िलहाल दूध पीते हैं, और आज का व्लॉग तो बहुत अच्छा था मेरे ख्याल से। कभी भी मैंने ज़िंदगी में आज देखा हूँ कि किसी बकरे को दाढ़ी है और अलग से सर पे बार है। और एक बात शेयर करना चाहता हूँ, जो मैं आपको बोला था कि मुझे चैतन्य स्कूल वाले बुलाए हैं साइंस और मैथ्स पढ़ाने के लिए, तो मैं उनको क्लियरली बोल दिया था कि मैं पार्ट टाइम ही आऊँगा, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं अगर आना है तो फुल टाइम आइए, यानी कि 9 बजे से 4 बजे तक, जो कि हाईली इम्पॉसिबल है क्योंकि मैं रात को ड्यूटी करूँगा तो सुबह 9 बजे नहीं जा पाऊँगा, तो मैंने मना कर दिया हूँ। होप आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप लोग को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ज़रूर कमेंट करिएगा अगर यह कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है या कुछ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ये कहते हैं आज का ब्लॉग एंड करते हैं, तो कल मिलते हैं नए दिन के साथ, नए सुबह के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।